वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैपकट की मदद से इसका रिप्लेसमेंट करें। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करो, जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो वो वीडियो को ऐड कर लो। अब हम ओवरले पे जाएंगे और ऐड ओवरले पे टैप कर देंगे। अब स्काई फोटो को ऐड कर लेंगे। अब मेन वीडियो के साथ ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लेना। अब फोटो को जूम करके स्काई पे लगा देंगे। अब हम ब्लेंडिंग पे जाएंगे और डार्कन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं अदर एलिमेंट्स को ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं मून को ऐड करेंगे। मेन क्लिप के साथ ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लेंगे। अब ब्लेंडिंग पे जाएंगे और फिल्टर पे सिलेक्ट कर देंगे। अब अदर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे सेम एज We have done before. अब हम इफेक्ट्स पे जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स और लेंस पे टैप करके एड्स ग्लो को ऐड कर लेंगे। ड्यूरेशन को मेन क्लिप के साथ एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट पे टैप करके ओपेसिटी को 10 पे रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट पे टैप करके ऑल वीडियोस कर लेना। अब हम वीडियो को कलर एडजस्टमेंट करेंगे। कंट्रास्ट को +5 पे करेंगे, ब्राइटनेस को -5, सैचुरेशन +5, एक्सपोजर -5, शार्पन +10। हम ग्राफ्स पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। लेफ्ट साइड के पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और मिडिल साइड पे थोड़ा सा नीचे करेंगे। शेडो -5, विकनेट को +25 पे कर देंगे। आप अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।